दोस्तों स्वागत है आपका यहाँ पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक बहुत ही बड़ी हार मिली है राजस्थान रॉयल्स से और अब जो है प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। और आईपीएल 2018 में ये दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अंत हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो वजह रही, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से जो है प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं सभी बड़ी वजह की, सभी बड़ी कमियां की। और सबसे पहली वजह रही दोस्तों इनकी आईपीएल 2018 में शुरुआत, बहुत ही धीमी शुरुआत थी। शुरुआती 7 मैचों की अगर बात करें तो सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली थी, जहां पर दोस्तों सभी टीमों को जीत चाहिए होती है शुरुआती मैचों में, वहां पर जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फीकी पड़ी थी। एंड में कुछ मैचेस बहुत ही अच्छे तरीके से जीते जरूर, लेकिन तब तक जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके थे और जो शुरुआत इनकी रही थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार रही थी। बात करें दोस्तों दूसरी बड़ी वजह की तो वो थी दोस्तों इनकी ओपनिंग। काफी ज्यादा इन्होंने ओपनिंग ट्राई करी लेकिन दोस्तों एक भी जो है इनको सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी नहीं मिली। बात करें तो क्वांटन डिकॉक, ब्रेंडन मैकलम, पार्थिव पटेल, मोइन अली, विराट कोहली खुद आए ओपनिंग करने और मनन वोरा, तो काफी ज्यादा जो है ओपनर ट्राई करे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, लेकिन दोस्तों एक भी जो है सफल नहीं हुए। लास्ट में जो है विराट कोहली को खुद ओपनिंग करनी पड़ी और ये एक और बहुत ही बड़ी वजह रही जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2018 के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। बात करें दोस्तों तीसरी बड़ी वजह की तो वो रही इनकी बॉलिंग। शुरुआत में काफी बेकार बॉलिंग थी, लास्ट के मैचों में काफी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई लेकिन जो शुरुआत थी बॉलिंग की वो काफी ज्यादा बेकार रही। लास्ट में चेंजेस किए, जैसे कि टीम सऊदी को लेके आए मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छा किया, लेकिन तब तक जो है दोस्तों काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। चौथी बड़ी वजह रही दोस्तों विराट कोहली का फॉर्म। जिस तरह की फॉर्म के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली, उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आए आईपीएल 2018 में। हालांकि 530 रन इन्होंने जरूर बनाए लेकिन सिर्फ 450 इसमें शामिल थी, जबकि विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनके हिसाब से ये काफी कम स्कोर था, काफी कम एवरेज था। चौथी अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग लाइनअप, और किसी भी खिलाड़ी ने उतना इंपैक्ट नहीं दिया जितना कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने दिया। और एबी डिविलियर्स ने तो दोस्तों 2-3 मैचेस अपने दम पे जिताए भी। ये बहुत ही बड़ी वजह रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हार की कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पे काफी ज्यादा डिपेंड रही आरसीबी की टीम। बात करें दोस्तों लास्ट जो वजह थी वो थी यहां पर इनकी फील्डिंग। फील्डिंग भी काफी ज्यादा साधारण रही, बहुत ही ज्यादा जो है कैच ड्रॉप किए जिसकी वजह से दोस्तों मैच भी ये हारे। हालांकि एबी डिविलियर्स ने काफी अच्छी फील्डिंग करी, विराट कोहली ने काफी अच्छी फील्डिंग करी, लेकिन दोस्तों 1-2 जो यहां पर डिसमिसल थे, कैच जो इन्होंने छोड़े वो काफी ज्यादा महंगे इनके ऊपर पड़ गए। तो दोस्तों ये थी वो बड़ी बड़ी वजह जिसके कारण जो है आईपीएल 2018 के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों आज का अगर मैच जीत जाती राजस्थान रॉयल्स से तो प्लेऑफ में जा जरूर सकती थी, लेकिन यहां पर जो है मेरे ख्याल से जो है रन रेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और जिसकी वजह से जो है ये मैच भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथ से निकल गया। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है, क्या थी सबसे बड़ी वजह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हार की, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।